सो वेलकम गाइस टू माय चैनल गोसाई सर। आज हम करने वाले हैं चैप्टर मोशन के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, जैसे आपको बताऊंगा सेम आपको वैसे ही न्यूमेरिकल करने हैं होती। ठीक, पहले देखो आपको पहला क्वेश्चन ये जिसका ग्राफ दे रखा है आपका, और ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका ग्राफ की फॉर्म में है। तो ग्राफ कौन सा हमारा? डीटी ग्राफ, दैट इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है आपका। तो क्वेश्चन में क्या पूछा? फाइंड द वेलोसिटी। ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है तो वेलोसिटी पूछेंगे। तो इट मूव्स फ्रॉम, तो ठीक है हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है पहले, कितना? भाई 0 से 5 सेकंड के लिए। ठीक है, तो यानी कि फर्स्ट के लिए। ठीक है, फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट के लिए, तो यानी कि 0 टू 5 सेकंड। तो भाई वेलोसिटी पूछी है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अब चेक कर लो कि भाई डिस्प्लेसमेंट कितना था 0 से 5। 0 से 5 डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 3, यानी कि 3 मीटर का। ठीक है, 3 मीटर का। और टाइम कितना है? 0 से 5 यानी कि 5 सेकंड। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 0.6 मीटर पर सेकंड। तो यानी कि वेलोसिटी आ गई आपकी 0.6 मीटर पर सेकंड। सेकंड क्यों देख लो, यानी आपको बोला है 5 टू 7। ठीक है, 5 से 7 का निकालो। तो यहां पे अगर हम देखें तो डिस्प्लेसमेंट तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है यहां पे? तो डिस्प्लेसमेंट तो कुछ हुआ ही नहीं, यानी कि डिस्प्लेसमेंट 0 है आपका। तो ठीक है, तो यानी कि फॉर 5 सेकंड टू 7 सेकंड तो वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और यहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0। तो टाइम कितना भी हो, वैसे यहां पे टाइम कितना है? 2 सेकंड, तो 0 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, देन देख लो। ठीक है, ये हो गया आपका ए, दिस इज योर बी, देन सी। तो सी के लिए बोला है यानी कि 7 सेकंड टू 9 सेकंड देखो। ठीक है, तो इसमें कितना हुआ? तो 7 से 9 यानी कि यहां से यहां पे, तो यानी कि इसमें देखिए हम, तो अगेन भाई वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो 7 सेकंड और 2 9 पे वेलोसिटी कितनी रही थी? तो टाइम तो यहां पे 2 है कि 1 और 2, और वेलोसिटी कितनी यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? यानी डिस्प्लेसमेंट यहां पे इस पॉइंट पे आपका 3 था, और यहां से वो पहुंच गया 7 पे। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? यानी कि 7 माइनस 3, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजिशन फाइनल पोजिशन का शॉर्टेज डिस्टेंस। तो टाइम कितना है? 2। तो ये हो गया 4.2, तो 2 × 4 यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट इसका, सिंपल सेम फॉर्मूला लगाया गया आपके। नाउ सेकेंड, ठीक है सेकेंड करेंगे हम। तो सेकेंड में आपका तो सेकेंड का सॉल्यूशन, तो कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग टाइम इंटरवल 5 टू 9 सेकेंड। तो 5 से 9 सेकेंड में एवरेज वेलोसिटी निकालो, यानी कि ये 5 है और ये 9 है। तो टाइम कितना हो गया? 1, 2, 3, 4। तो टाइम हो गया 4 सेकंड यहाँ पे। ठीक है, और एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी भाई? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो टाइम तो हमारा कितना आ गया? 4 आ गया भाई, 4 सेकंड। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो डिस्प्लेसमेंट अगर हम देखें भाई 5 और सेकंड में तो कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं है, यहाँ पे तो 0 है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 7 से 9 के बीच में, वो कितना हुआ? यानी कि यहाँ पे 3 था, यानी कि 3 मीटर पे, 3 मीटर के बाद कितने पहुंचे? 7 मीटर। तो अगेन हम क्या करेंगे? 7 माइनस 3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 4/4 यानी कितना आ गया? 1 मीटर पर सेकंड। तो आपकी एवरेज वेलोसिटी आ गई, दैट इज एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, 1 मीटर पर सेकंड। ठीक है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नाउ सेकंड क्वेश्चन। ठीक, सेकंड क्वेश्चन का आपको डायग्राम दे रखा है। ठीक है, ये आपका इसका ग्राफ है सेकंड का, और ये कौन सा ग्राफ है? सेकंड वाला आपका है स्पीड टाइम ग्राफ। तो हमें किस तरह ये सॉल्व करने मैंने आपको बताया भी है, और सेकंड का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपके, तो पहले पूछा आपका फर्स्ट, दैट इज हमें बताना है इनिशियल स्पीड, इनिशियल स्पीड ऑफ अ कार। ठीक है, सेकंड हमें बताना है इसमें मैक्सिमम स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है विच पार्ट आपका। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका जो मैक्सिमम स्पीड अटेन, ये बोला है विच पार्ट, कौन से पार्ट में आपको मैक्सिमम स्पीड है। ठीक है, जो तीसरा है उसमें आपको बोला जा रहा है विच पार्ट शोज जीरो एक्सेलरेशन। ठीक है, जीरो एक्सेलरेशन कौन सा पार्ट शो कर रहा है?
देन फोर्थ पे हमें बताना है विच पार्ट ऑफ द ग्राफ शो वेरिंग थर्टी के, विच पार्ट शो वेरिंग रिटार्डेशन। देन फिफ्थ है आपका डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट एयरक्राफ्ट, तो ठीक है डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट एयरक्राफ्ट फर्स्ट 8 आवर्स, तो ठीक है। अब आपको बोला है कि इनिशियल स्पीड क्या है कार की, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आपकी जीरो, तो ठीक है इनिशियल स्पीड कितनी है आपकी, पहले पार्ट का आंसर हो जाएगा आपका दैट इज फर्स्ट, ये कितना आपका दैट इज 10 किलोमीटर पर आवर। तो सीधा सीधा ग्राफ से रीड करना है और कुछ नहीं, ठीक है इनिशियल स्पीड हमने ग्राफ में भी करा है। सेकंड देखो मैक्सिमम स्पीड अटेन, कौन से पार्ट में मैक्सिमम स्पीड अटेन करी गई आपकी, तो वो कौन सा पार्ट है भाई, मैक्सिमम स्पीड आपकी दिस ए बी, ठीक है तो मैक्सिमम स्पीड आपकी ए बी हो जाएगी, ठीक है तो मैक्सिमम स्पीड आपकी ए बी होगी। थर्ड पार्ट विच पार्ट शो जीरो एक्सेलरेशन, कहीं पे एक्सेलरेशन हुआ ही नहीं है, हमने ग्राफ में डिस्कस भी किया था अगर आपने मेरी वीडियोस देखी है पुरानी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी कि देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी v माइनस u अपॉन टाइम। तो भाई अगर हम देखें फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे कितनी है 35 है, इनिशियल कितनी है वो भी 35 है, यानी कि भाई 35 माइनस 35 अपॉन t तो कितना हो गया 0 अपॉन t, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 है हमारा, तो कौन से पार्ट में हो गया, ये हो गया आपका डीसी पार्ट में। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट विच पार्ट शोस वेरिंग रिटार्डेशन, रिटार्डेशन मतलब आपकी यानी कि स्पीड डिक्रीज होना, तो कौन सा पार्ट दिखा रहा है आपका सीडी, ठीक है तो आपका सीडी दिखा रहा है। देन फिफ्थ में आपको बोला गया है कि डिस्टेंस ट्रेवल फर्स्ट 8 आवर, यानी कि यहां से फर्स्ट 8 आवर में यानी कि 0 से फर्स्ट 8 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, और हमने वीडियोस में करा लास्ट वीडियो में जब हम ग्राफ के बारे में पढ़ रहे थे दैट हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस इन एसटी ग्राफ बाय फाइंडिंग द एरिया ऑफ दैट पार्ट, ठीक है। सो लास्ट पार्ट के हम क्या करेंगे डायरेक्ट फाइंड द एरिया, ठीक है तो लास्ट पार्ट के हमें एरिया निकालना है। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड वो कैसे निकलेगा, इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ बिटवीन फर्स्ट 8 आवर, तो पहले 8 आवर के अंडर पहले कौन सा एरिया आ रहा है, तो अगर हम देखें तो ये वाला एरिया आ रहा है पूरा पूरा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यानी कि जो डिस्टेंस निकालेंगे वो निकालेंगे हम दो पार्ट में, डिस्टेंस होगा इक्वल टू एरिया ऑफ ओ ए बी, इनको नाम देते हैं डी हो गया ई हो गया ई और ई हो गया एफ, तो ओ ए बी ई प्लस एरिया ओ ए बी ई और प्लस एरिया आपका दैट ई बी सी एफ ये वाला, ठीक है एक ही हो जाएगा आपका। तो हम ये वाला एरिया और ये वाला एरिया कर रहे हैं, तो ठीक है भाई एरिया ऑफ ओ ए बी ई ये क्या है आपका, ये ट्रेपेजियम है, तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है दैट इज हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड, ठीक है इनटू हाइट। और दूसरा अगर हम देखें ए बी सी, तो ए बी सी एफ ये कौन सा है, ये आपका बन जाएगा आपका रेक्टेंगल, ठीक है तो रेक्टेंगल एरिया क्या होता है दैट इज एल इनटू बी। नाउ वैल्यूज पुट कर दो भाई 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी OA और BE, सो OA प्लस BE, हाइट कौन सी हो जाएगी आपकी दिस OE, हाइट हो गई OE प्लस L into B, यहां देखेंगे तो L क्या हो जाएगा हमारा, L हो जाएगा आपका EF into BE। होप सो क्लियर हो, केवल फॉर्मूले हमने पुट कर दिए वेरिएबल्स, अब इनकी वैल्यूज पुट कर लेंगे, तो OA कितना है, OA आपका 10, BE कितना है, BE आपका है यानी कि यहां से 35, और OE कितना है, OE है आपका 3 प्लस EF देखेंगे तो EF कितना है, EF है हमारा ठीक है यहाँ पे 8 है ये आपका 3 है, तो 8 में 3 5 हो जाएगा, ठीक है यानी कि ये पार्ट कब निकलेगा जब हम 8 में से 3 माइनस करेंगे, तो इतना निकल जाएगा। नाउ हमें निकालना है EF और BE, तो EF निकल गया, BE कितना है 35, इसको सॉल्व करेंगे तो एरिया आ जाएगा, ठीक है तो ये हो जाएगा 1/2 45 इंटू 3 ये हो गया 5
175, ठीक है। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं तो हो जाएगा 1/2, 35, 135, ठीक है। ये हो गया 135 डिवाइड बाय 2 प्लस 175, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे कर लेते हैं स्पेस की कमी की वजह से, तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 2 आएगा, ठीक है। तो ये हो गया 135 और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 × 10 3 × 3 = 50, तो ये हो गया आपका 5 8 485/2। इसे सॉल्व करेंगे तो 2 × 4 = 2, 4 × 2 = 5, तो डिस्टेंस कितना आ गया हमारा, डिस्टेंस आ गया आपका दैट इज 242.5, और ये आपका किलोमीटर, यानी कि इतना डिस्टेंस कवर करा। होप सो ये क्लियर हो। केवल आपको एरिया निकालना है, ट्रेपेज़ियम का एरिया और रेक्टेंगल का एरिया, फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। ये पैरेलल हो गए आपके, ये हाइट हो गई, ठीक, ये लेंथ और ये ब्रेथ। होप सो वीडियो पसंद आई हो, और पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट। थैंक यू।